कश्मीर के हालात पर हुई चर्चा के बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सर्वदलीय बैठक चल रही है। इस बैठक में गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर की मौजूदा स्थिति के बारे में विपक्षी पार्टियों को जानकारी दी है। पिछले कुछ दिनों से कश्मीर में उपजे हालात के बाद केंद्र और राज्य सरकार वहाँ पर शांति स्थापित करने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। सरकार ने साफ किया है कि वो कश्मीर के हालात पर राजनीतिक दलों और अन्य पक्षों से बातचीत के लिए तैयार है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर की हाल की घटनाओं के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया है। संसद का 18 जुलाई से शुरू हुआ मानसून का सत्र आज अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया और ये सत्र इस लिहाज से बेहद रचनात्मक रहा क्योंकि इसमें जीएसटी संबंधित संविधान संशोधन विधेयक, मातृत्व लाभ विधेयक सहित कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए तो वहीं कश्मीर की स्थिति सहित कई महत्वपूर्ण लोक महत्व के मुद्दों पर चर्चा भी की गई। राज्यसभा के सभापति हामिद अंसारी ने कहा है कि सत्र काफ़ी रचनात्मक रहा। इस दौरान 20 बैठकों वाले इस 240वें सत्र में 112 घंटे से अधिक कामकाज हुआ। मौजूदा सत्र में सबसे महत्वपूर्ण विधायी कार्य वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी संबंधी संविधान संशोधन का 122वां संशोधन भी सर्वसम्मत से पारित किया जाना रहा। वहीं लोकसभा की कार्यवाही भी आज अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई। मानसून सत्र में जीएसटी विधेयक का पारित होना सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि रही और सदन की 20 बैठकों में 121 घंटे कामकाज हुआ तथा जीएसटी समेत 13 विधेयक भी पारित हुए। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने कहा है कि सत्र के दौरान कुछ महत्वपूर्ण विधायी एवं वित्तीय कामकाज को पूरा भी किया गया। उन्होंने कहा कि सत्र के दौरान 14 सरकारी विधेयक पेश किए गए और 13 विधेयक पारित हुए जिनमें भारतीय चिकित्सा परिषद संशोधन विधेयक 2016, दंत चिकित्सक संशोधन विधेयक 2016, बाल श्रम रोकथाम एवं नियमन संशोधन विधेयक 2016, बेनामी लेन देन रोकथाम विधेयक 2015, ऋण वसूल से संबंधित संशोधन विधेयक, कर्मचारी मुआवजा संशोधन विधेयक, कराधान संशोधन विधेयक और कारखाना संशोधन विधेयक 2016 शामिल रहा। सुमित्रा महाजन ने कहा है कि सत्र के दौरान 400 तारांकित प्रश्न सूचीबद्ध थे जिनमें से 99 प्रश्नों के मौखिक उत्तर भी सदन में दिए गए। उधर लोकसभा ने कश्मीर की स्थिति पर आज एक प्रस्ताव पारित किया है और वहां लंबे समय से जारी कर्फ्यू, हिंसा तथा लोगों के मारे जाने पर गंभीर चिंता प्रकट की है। प्रस्ताव में यह दृढ़ विचार व्यक्त किया गया कि भारत की एकता, अखंडता और राष्ट्रीय सुरक्षा पर कोई समझौता नहीं हो सकता। दिस हाउस एक्सप्रेसेस इट्स सीरियस कंसर्न ओवर द प्रोलॉन्ग टर्बुलेंस, वायलेंस एंड कर्फ्यू इन द कश्मीर वैली। Conveys its deep sense of anguish and concern over the loss of lives and critical injuries caused by the deteriorating situation. This House is of the firm and considered view that there cannot be any compromise on unity, integrity, and national security. It is equally imperative that urgent steps are taken to restore order and peace for the alleviation of the sufferings of the people. This House earnestly appeals to all sections of the society in Jammu and Kashmir and India also, I can say, the whole India, to work for the early restoration of normalcy and harmony. And now this House unanimously resolves to restore the confidence among the people in general and youth in particular. I hope the House agrees to this. And so the resolution is adopted unanimously.